जेलेटिन लाइक पीपीटी दिख रही होगी, ये देखिए दैट इज अ व्हाइट जेलेटिन पीपीटी, और ये जेलेटिन पीपीटी ही रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ फ्रेंड्स मैं उत्सव शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल्स। फ्रेंड्स आज जो मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ आपका कटायंस और कटायंस से आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कैसे प्रेजेंट आएगा और कैसे ग्रुप डिटेक्शन के थ्रू उसको फाइंड आउट करना स्टेप वाइज और कैसे उसके रिजल्ट आएंगे, इस सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बहुत ईजी वे में। ठीक है, इस चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे वीडियोज हैं, कैसे 30 आउट ऑफ 30 प्रैक्टिकल्स में आपको मार्क्स निकाल ले उससे भी रिलेटेड ट्रिक है। जाइए चैनल को पूरा वॉच आउट कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ में भी जरूर शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। सो मैं ये किसका सॉल्ट बताने वाला हूँ, एल्युमिनियम। ठीक है, सो एल्युमिनियम प्लस 3 कटायंस। कटायंस क्या होता है बता दो, जिसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो, किसी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटायंस। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो ग्रुप डिटेक्शन के लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ती है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ओएस बनाना होता है, विदाउट ओएस यू कैन नॉट प्रोसीड दिस टेस्ट। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द ओएस। आपको ऐसा सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, सॉल्ट में इस सॉल्ट का क्या बनाना रहता है, आपको ओएस बनाना रहेगा। ठीक है, तो ओएस के लिए आपको क्या लगेगा, वाटर, और जैसे आप वाटर में इस सब्सटेंस को डिसॉल्व कर दोगे आपका ओएस बन के क्या हो जाएगा, रेडी। एक ट्रिक है, वैसे ट्रिक मैंने एफई वाले में भी बताया और इसमें भी बता देता हूँ कि देखो आपका ग्रुप थर्ड में ना एल्युमिनियम और एफई दोनों होता है। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, काफी अच्छी ट्रिक है, ध्यान से सुनिए। एल्युमिनियम और एफई दोनों होता है, तो जब आप एफई को डिसॉल्व करते हैं, एफई का अगर आपको सॉल्ट दिया रहे तो आपको येलो ये मिलता है, लेकिन जब एल्युमिनियम को डिसॉल्व करते हैं ना तो आपको व्हाइट मिलता है, और वहीं पर ये चीजें क्लियर हो जाती है कि एल्युमिनियम है कि एफई है। ठीक है, ये चीजें याद रखना। ठीक है, चलो मुझे ये मैंने ओएस डिसॉल्व कर दिया। नाउ अब मैं पहला टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पहला टेस्ट मेरा क्या है, ग्रुप एनालिसिस में आपको पता होगा कि आपका ग्रुप 1 प्रेजेंट है कि ग्रुप 3 प्रेजेंट है कि कैसे करोगे, क्या लेना रहता है, आपने जो डिसॉल्व किया है ओएस बनाया, पहले ओएस ले लो और उस ओएस में आपको क्या ऐड करना है, डाइल्यूट एचसीएल। अगर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है तो आपका ग्रुप 1 क्या हो जाएगा, कन्फर्म, और नहीं मिला तो ग्रुप 1 क्या हो जाएगा, एबसेंट, और ग्रुप 1 में आपको पता है पीबी होता है। सो हियर वी आर नॉट गेटिंग एनी प्रेसिपिटेट, क्लियर सोल्यूशन, सो पीबी आपका एबसेंट, दैट इज ग्रुप 1 इज एबसेंट। ठीक है, ग्रुप 2 में आपको क्या करना है, सेम सोल्यूशन रहता है, OS, dilute HCl, बस आपको पास करनी होती है H2S गैस, लेट्स प्रोसीड विद H2S गैस। ठीक है, सो ये रहा मेरे पास H2S गैस, अब मैं इसको पास करूंगा। अगर मुझे यहाँ पे ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है तो मेरा ग्रुप 2 क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे गैस पास करता हूँ, आप देखो बबलिंग दिखेगा। ठीक है, ये देखा बबलिंग। ठीक है, अब इस बबलिंग से यहाँ पे कोई ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं जनरेट हो रहा है, तो ग्रुप 2 भी आपका क्या हो जाएगा, एब्सेंट। प्रोसीड विद द ग्रुप 3। ठीक है, अगेन OS लेंगे और OS में हम लोग पहले डालेंगे NH4Cl। ठीक है, ये कॉमन आयन इफेक्ट का केस है फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा कि पहले आप NH4Cl ही डालें देन NH4OH। ठीक है, NH4OH जो है वो हमारा रिएजेंट होता है। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया NH4Cl। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड व्हाट, NH4OH। अगर आपको देखते हैं रेडिस ब्राउन पीपीटी मिली तो एफई प्रेजेंट, लेकिन अगर व्हाइट जेलेटिन प्रेसिपिटेट मिला तो आपका एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो चुका है, जेलेटिन लाइक पीपीटी दिख रही होगी, ये देखिए दैट इज अ व्हाइट जेलेटिन पीपीटी, और ये जेलेटिन पीपीटी ही रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे एल्युमिनियम है। अगर ये आपको रेडिस ब्राउन पीपीटी आता तो नीचे बैठ जाता और वो आपका एफ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये व्हाइट जेलेटिन पीपीटी है और ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका एल्युमिनियम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है फ्रेंड्स, सो आपको क्या करना है, इस व्हाइट जेलेटिन पीपीटी को क्या करना है, डाइल्यूट एसिड में डिसॉल्व करना है, और जैसे डिसॉल्व हो जाएगा इससे ही आपको क्या करना है, सिटी परफॉर्म करना है। सो लेट्स डू विद दिस। ठीक है, अब मैं व्हाइट प्रेसिपिटेट को यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट को मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसको कलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ना ये सॉल्ट जो एल्युमिनियम वाला है थोड़ा कम देते हैं। और दूसरी चीज ये है ना कि आपको इसके जगह आपको सेंट्रीफ्यूगेट मशीन होती है उसमें ये बहुत ही अच्छे से नीचे बैठ जाता है, सेंट्रीफ्यूगेट हो गया। ठीक है, सॉलिड मटेरियल नीचे बैठ जाता है, तो पर भी ये आपको दिख रहा है। अब इसको आपको क्या करना है, डाइल्यूट एचसीएल डाल के इसको डिसॉल्व करना है। ठीक है, इस जेलेटिन पीपीटी को डाइल्यूट एचसीएल में डिसॉल्व करना है और इसी से हमें टेस्ट परफॉर्म करना है। सो आई एम एडिंग दिस व्हाट, डाइल्यूट एचसीएल। अभी डाइल्यूट एचसीएल में टोटली क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है। नाउ सी दिस, द क्लियर सॉल्यूशन ऑब्टेन हियर। अब इसी को हमें सीटी करना है, अबव सॉल्यूशन लेना है और इसमें क्या डालना है आपको, NaOH, और इसको वार्म करना। ये मेरा डिसॉल्व HCl में मैंने डिसॉल्व किया, डाइल्यूट HCl में। ठीक है, ग्रुप थर्ड का जो मुझे प्रेसिपिटेट मिला था, अब मुझे इसी से टेस्ट करना है। तो आपको क्या लेना है, थोड़ा सा OS लेना है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब वही डिसॉल्व प्रेसिपिटेट लेना है, सॉरी, और आपको इसमें ऐड करना है NaOH। ठीक है, NaOH और फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH लेना और इसको वार्म करना है। अगर आपको व्हाइट जेलेटिन पीपीटी मिलती है
तो आपका क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम कन्फर्म हो जाएगा। तो मैं इसको NaOH इसमें ऐड करता हूँ, ठीक है, लिटिल बिट, और इसको मैं क्या करूंगा, हल्का सा हीट करूंगा। सो नाउ मैंने बर्नर्स यहाँ पे ऑन कर लिए, सो आई एम वार्मिंग दिस, ठीक है। वार्म मतलब आप हल्का सा ही बस इसको हीट कीजिए, ठीक है, ज्यादा हीट करने की आपको नीड नहीं है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, नाउ सी हियर, दिस इज अ वाइट जेलेटिन पीपीटी जो यहाँ पे आपको मिल रही है। सो सी हियर, दिस इज द वाइट जेलेटिन पीपीटी विच वी विल गेट हियर। सो एल्यूमिनियम के ऐसे ही बहुत ही इजी टेस्ट है, आपको ऊपर ये व्हाइट जेलेटिन पीपीटी आपको दिख रहा होगा फिलहाल। सो दैट रिप्रेजेंट द एल्यूमिनियम इज कंफर्म। तो आपको एक चीज यहाँ पे क्या समझ में आया फ्रेंड्स, आपको एक चीज आपको आपको क्या समझ में आया यहाँ पे, कि अगर आपको ग्रुप थर्ड आया तो कि तो रेडिस ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा कि तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, व्हाइट जेलेटिन प्रेसिपिटेट। रेडिस ब्राउन आया तो आप एफी का टेस्ट कीजिए, मतलब डाइल्यूटेसिल में डिजोल्व करके वही सोल्यूशन लेके एफी का टेस्ट कीजिए, और व्हाइट जेलेटिन पीपीटी आया तो वही डाइल्यूटेसिल में डिजोल्व करके एल्यूमिनियम का टेस्ट कीजिए, ठीक है, आपको पक्का मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये कटायंस मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो बहुत सारा मेहनत लगता है ऐसे वीडियोज बनाने के लिए। इस पर फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल्स है, कैसे एग्जाम में परफॉर्म करके अच्छे मार्क्स लाना है उससे भी रिलेटेड वीडियो, 30 out of 30 मार्क्स कैसे पाने उससे भी रिलेटेड वीडियो है। आप चाहिए चैनल को चेकआउट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ में भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल। थैंक यू।